चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। पहले बहुत महंगाई है लेकिन फिर ठीक है, घर पे असर पड़ता होगा। हाँ जी, नौकरी तो हमारे यहाँ से मिलने के नहीं, क्यों? बैकवर्ड गांव है हमारा। बस हमें चैन और अमन चाहिए। अच्छा। भाई लड़ाई दंगे से हम सख्त नफरत करते हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि इस बार भी जीत उन्हीं की है, भाजपा से जीत जगह कौन जीतेगा। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में है और जिला शामली की ये कैराना लोकसभा सीट है और कैराना लोकसभा सीट पर ये यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है, कंडेला के नाम से जाना जाता है, कंडेला गांव। यहाँ की आसपास की जो दुकानें हैं, जो यहाँ पर चाय की टपरी या इस तरह के छोटे होटल है, उन पर जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस बार कैराना लोकसभा सीट पर 2024 के चुनाव को लेकर क्या लोगों की प्रतिक्रिया रहेगी, क्या लोगों का मानना है, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। तो लोगों से बातचीत करते हैं। नहीं, दो चार सवाल ऐसे ही, आप तो काम कर रहे हैं यहाँ। अच्छा, चलिए, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है पूरे देश में, क्या लग रहा है आपको, किनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? बीजेपी बनाऊंगा भाई साहब। हाँ, तो बीजेपी के ऐसे कुछ काम बताइए जिसकी वजह से आप वोट करेंगे। काम तो भाई साहब सही कर रखे हैं, गुंडागर्दी खत्म कर रखी भाई साहब, ज़्यादा अनिचा तो होता मामला खराब सब सिस्टम। अभी रात को हम रात में घर जाग रहे थे, अब जा पहले तो लूट लेते, कई बार पकड़ेगा हम, कई बार लूटा में फिर अरिब जा तो 12-1 बजे रात को 2-3 बजे एकदम चले जा, कोई दिक्कत नहीं, पैदल चले जा आ जाए सिस्टम। ये बीजेपी के कारण हुआ? हाँ भाई, लेकिन आप कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हुई है, सरकार का ही आंकड़ा है, NCRB की एक रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश जो है गुंडागर्दी या क्राइम एक्ट में सबसे ऊपर है। आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई? नहीं, गुंडागर्दी खत्म, ये सरकार ही कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार के आंकड़े। यूपी में क्राइम सबसे ज़्यादा है? हाँ, क्राइम ज़्यादा है पर नहीं है, हमारे यहाँ ठीक है सिस्टम। आपके क्षेत्र में? हाँ, हमारे क्षेत्र में ठीक है। आप लोकसभा में किसको चेहरा देख रहे हैं? मैं तो योगी सरकार, आने वाली मोदी सरकार को ही देख रहा हूँ। अच्छा, 100% ही आएगी। कश्यप समाज जितना भी है सब इसके साथ है, हिंदू भाई जितना भी है सब इसी के साथ है। तो आप कैराना लोकसभा सीट से उम्मीदवार किसको देख रहे हैं अभी? प्रदीप चौधरी है बीजेपी से, विपक्ष में भी इकरा हसन है, प्रदीप चौधरी होएगा, प्रदीप चौधरी को। तो कुछ काम बताइए बीजेपी के ऐसे। बीजेपी ने तो बहुत काम किया है, कोई नौकरियां वगैरह मिली है? सब कुछ मिला है, खुद महाराज साले का लड़का भी गया है आर्मी में, गया है 2-3 और भी गए हैं गाँव में से, बहुत चंद जा चुके हैं। सन 2013 से 24 तक जब जितने भी मेरे परिवार की वोट गई है, मेरे गांव की वोट गई है, सारी बीजेपी गई पे भी वोट गए, हिंदू भाई की। आप हिंदू के लिए वोट? हिंदू भाई की तरफ से। हाँ, लेकिन देश में तो सभी लोग रहते हैं, कहीं हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सबसे मेन कारण यह है दंगा फसाद नहीं है आज के टाइम में। नहीं, पहले बहू बेटी घर से बाहर भी नहीं निकलती थी अखिलेश के सरकार में, लोग डरते थे, और आज खुलेआम घूम रहे हैं। बाबू जी, क्या नाम? मेरा नाम धर्मपाल है भाई। धर्मपाल जी, यहीं के रहने वाले हो? नहीं, बाहर का। बाहर के कहाँ के? नौजली। अच्छा, चलिए। अच्छा, चुनाव है देश में, लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, क्या लग रहा है किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे इस भाई? हम तो लड़के के आदमी, लड़के को जान। अच्छा, लोकदल पे? हाँ, लोकदल। और भी, लेकिन और भी पार्टियां हैं, बीजेपी है? हाँ, कोई भी हो चाहे, सपा है और हाँ, कोई भी हो चाहे। तो आप ये बताइए कि जैसे बीजेपी सरकार भी आपके यहाँ कुछ काम किए? बीजेपी नहीं, काम बहुत करा। किस तरह काम बहुत करा? नौकरियाँ वगैरह मिली बच्चों को? नौकरी तो हमारे यहाँ से मिलने के नहीं, क्यों? बैकवर्ड गांव है हमारा, नौजली छोटा सा मजरा है नोचल का, वहाँ तो कहीं नंबर आने का ही नहीं। ये नोजल नोजल नोजली जो हाँ, नोजल नोजली मुजफ्फरनगर में? हाँ हाँ, शामली में, मुजफ्फरनगर में, शामली में। हाँ, अच्छा, वहाँ से नौकरी का उसका तो कोई नंबर आने का ही नहीं। अब टंकी दी प्रधानमंत्री ने, हमारे से 3 किलोमीटर गाँव नोजल है, और नोजल से हमारे यहाँ से पाइप लाइन बिछवाई, वहाँ से पानी आता है हमारे यहाँ से। बताओ मोहम्मद भाई, क्या लग रहा है लोकसभा कराना सीट पे किसका जोर है? सरकार को ऐसे आ जाओ, हमें अपना विधायक चाहिए। नाई दसन, चलिए, नाई दसन तो अभी काफ़ी समय है, अभी तो विधानसभा चुनाव में, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा की? हाँ, तो
प्रदीप चौधरी सांसद है अभी फिलहाल में। अच्छा, और आगे आप किसको देख रहे हैं जो उम्मीदवार है? इकरासन भी है, मनीष चौहान का भी नाम सुनने में आ रहा है कि इधर से टिकट हो सकता है। हाँ जी, ऐसे है, हम तो दूर से ही अपने वालों के साथ में रहे हुए हैं, हसन परिवार के साथ। तो इकरा का काम जीतो, तो इकरा का काम अच्छा लगता है? उसका अच्छा लगता है। तो निकाल लेगी सीट, निकाल लेगी इस बार? 100 के 100 उम्मीद है जी, 100 के 100 इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ एक हिंदू मुस्लिम का बड़ा गठजोड़ माना जाता है इसमें। इस सीट पे 37,000 हिंदू है, 37,000 पूरे, 37,000, 37 के 37 पड़ते हैं इस पर। 28,000 वोट लेगी हिंदुओं के बाद, अरे और ज़्यादा लेगी वो, मतलब हिंदू इस पर कम, मुसलमान कम है इस पर, इस सीट पर किरण वाली पे हिंदू ज़्यादा है। क्यों जीतती है वह? अच्छा काम करते भी जीतती है वह। आगे रहने वाले बताओ। कंदरावली, कंदरावली है तो इधर के ही हो, किसको देख रहे हैं इस बार चुनाव में, किसका टिकट हो सकता है? टिकट का तो पता नहीं आता, बीजेपी के साथ में, बीजेपी के साथ में। तो कुछ एक दो काम बताइए बीजेपी के क्षेत्र में किए हो, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता। काम तो ठीक ही चल रहा, भ्रष्टाचार गुंडागर्दी खत्म हो रही। और जैसे बाकी कई मुद्दे हैं, टाइम पर ड्यूटी पर घर जा रहे थे, बाइक लुटा कर दी, पैसे लुटा कर दे, अब ठीक है, किसी टाइम चले जाओ, अब ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे और भी महंगाई का मुद्दा है, महंगाई पे लगता है कि चलता ही रहेगा, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहेगा। तो कुछ नौकरियाँ वगैरह मिली आपके गाँव में? जैसे फैसिलिटी बढ़ेगी ऐसी महंगाई बढ़ेगी, लेकिन आमदनी भी तो बढ़नी चाहिए। आमदनी तो करने वाले में कोई थोड़ा है नहीं, कहीं भी कर लो जाएगा। तो आप यहीं काम करते हैं? 10 साल हो गए यहीं पे काम कर रहा है। कितनी तनख्वाह है आपकी? 6,000 रुपये में लगा था कभी, आज 22-23,000 रुपये हो रहे। तो चल जाता है घर का खर्चा वगैरह? चल जा। लोकसभा चुनाव चल होने वाले हैं देश में, क्या लगता है आपको, किस प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी मोदी को देखना है। मोदी को जी, अच्छा काम करते हैं। तो कुछ ऐसे काम बताइए कुछ थोड़े से। जी बहुत काम किया जी, ये मतलब कि फोर लाइन ये कटवाई जी, रोड बने, यहाँ रोड ही बने हैं जी, बहुत काम किया जी, गुंडागर्दी खत्म की जी। तो आप इधर ही काम करते हैं? हाँ जी, यहीं कर, पेपर मिल में, लेकिन पेपर मिल में करता हूँ। तो कुछ आमदनी में कुछ फर्क पड़ा है पहले से? हाँ जी, ठीक है जी, सबसे अच्छा है जी। और कुछ जैसे महंगाई है, महंगाई बढ़ती जी? महंगाई तो है जी, देखो जी पहले बहुत महंगाई है, लेकिन फिर ठीक है जी। घर पर असर पड़ता होगा? हाँ जी। तो और भी जैसे कई चीज़ें हैं, आप एरटी के रहने वाले हैं आप कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे अगर हमारी सरकार आई तो। आपके गांव से कितना रोजगार गया है? हमारे गांव से जी बहुत गया जी, ठीक है जी। सरकारी नौकरियां मिली है लोगों को? बस जी कुछ मिली है, कुछ नहीं मिली जी। सोनू भाई, लोकसभा चुनाव है, आपकी कैराना लोकसभा सीट है, किसको पसंदीदा नेता आप देख रहे हैं लोकसभा में हो सकते हैं? बाबा से अच्छे तो कोई है ही नहीं, योगी जी, योगी जी, योगी बाबा जी। अच्छा, चलिए वो तो विधानसभा में अभी मुख्यमंत्री है, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का चेहरा किनको देख रहे हैं? देखो प्रधानमंत्री, हमारी तो इच्छा यही है कि योगी प्रधानमंत्री बने। अच्छा, मोदी से बात? योगी से बात, मोदी से बात जी। चलिए चलिए, तो कुछ काम बताइए फिर योगी जी के और मोदी जी के, कुछ इस तरह के काम? योगी जी के काम ये हो गए यूपी में, एक सबसे मेन बात तो गुंडागर्दी खत्म हो। गुंडागर्दी यहाँ पे जो जिस इलाके में आप खड़े हो, इस इलाके में इतनी गुंडागर्दी थी, आप क्या पूछो, दिन दहाड़े गोली मार देते थे। सबसे मेन बात है यहाँ गुंडागर्दी खत्म हो। चलिए अच्छा, कोई एक ऐसा काम बताइए जिसको सरकार से आपको पर्सनली फायदा हुआ हो। देखो हम तो रोजगार में बड़े, हम जो है कमाने खाने वाले आदमी हैं, हमें सरकार से कोई संबंध नहीं है। अच्छा। बस हमें चैन और अमन चाहिए। अच्छा। भाई लड़ाई दंगे से हम सख्त नफरत करते हैं, लड़ाई दंगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए देश में, लेकिन बस ये मेन चीज़। विपक्ष के लोग कहते हैं कि भाजपा जब भी आती है वो दंगा कराती है, वो झगड़ा कराती है, लेकिन उसका कोई मतलब सामने खुल के ये नहीं आया कि भाजपा कराते, कि आप तो दूसरे विपक्ष कराते हो। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोकसभा कैराना सीट पर किस चेहरे को देख रहे हैं इस बार? किसी को भी नहीं देखते हम तो। तो गांव में कुछ काम वाम हुए आपके? चल दी गंगा। किस तरह की समस्या है गांव में? पानी की, इतना पानी पड़ रहा। तो ग्राम प्रधान वगैरह कुछ काम नहीं करते? प्रधान तो करवा रहा, वो नहीं होने देता, एमपी आता ही नहीं बोल दो। एमपी जो प्रदीप चौधरी है, सांसद है, आज लो आए नहीं वो काम में। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि इस बार भी जीत उन्हीं की है भाजपा से। कोई जीत जगह, कौन जीतने का? कई लोग सुनते हैं कि भाई कंडेला जो है भाजपा का गांव है एक तरह से, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहे हैं आपके गांव में? नहीं चल दी गंगा नहीं के अभी, चलो मैं चल लो। हम लोग कैराना लोकसभा सीट पर थे, यहां पर हमने लोगों से, आसपास के लोगों से बातचीत की,
और जानने की कोशिश की कि इस बार कैराना लोकसभा सीट को लेकर क्या लोगों की राय है। लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष में टकराव होगा इस सीट पर। जुड़े रहे आप CCA से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। चलो।